दोस्तों, ये हमारा इंटेक्स का होम थिएटर है जिसे आज हम ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने ये एक ब्लूटूथ साउंड कार्ड आता है, प्लेट आती है, इसको आप बाजार से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में इसे वापस करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आइए अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें ये एक हमें ब्लूटूथ म्यूजिक कार्ड मिला है और ये इसमें यहाँ पोर्ट वगैरह है, और इसके बाद में इसमें एक रिमोट कंट्रोल मिल गया है। इसी के साथ में इसमें अंदर बैटरी भी मिल जाती है जो यहाँ पर लगी रहती है। तो ये बैटरी ऐसे लगी है। इसके साथ में हमें दो केबल भी मिली है जो हमें इसको कनेक्ट करने में काम आएगी। इससे आप इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं और यूएसबी से भी इसे बजा सकते हैं और ऑक्स से भी इसे बजा सकते हैं और एफएम भी इससे बज जाता है। तो ये पूरा काम आपका जो नॉर्मल वाला होम थिएटर है ये करने लगेगा। किसी भी डिवाइस से ब्लूटूथ से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे कैसे कनेक्ट करना है आइए अपन देखते हैं। दोस्तों, इस प्लेट से जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो कनेक्शन हमें दिख रहे हैं और ये दोनों कनेक्शन ही हमें करना है और ये काम करने लगेगा। एक तो ये रेड कलर का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट डीसी इनपुट देना है, मतलब इस सर्किट को हमें 5 वोल्ट की करंट यहाँ पे देना है हमको। और ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टर, इस कनेक्टर से हमें यहाँ से साउंड की जो इम्पल्स है वो अपने को आउटपुट लेना है और साउंड वेव्स को यहाँ से अपने को इस जो अपना ये होम थिएटर है इसके अंदर इनपुट देना है, यहाँ से निकाल के इसके अंदर देना है। दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट डीसी देते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि इस प्लेट में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है और एक ये ग्राउंड लिखा हुआ है। तो आप जब भी देंगे तो जब 5 वोल्ट पॉजिटिव जो आप जहाँ से भी ले रहे हैं इसको एडाप्टर से या मोबाइल चार्जर से और सर किसी सर्किट से अगर ले रहे हैं आप, तो हम इसको बताएंगे मोबाइल चार्जर के सर्किट से 5 वोल्ट लेना, क्योंकि सभी मोबाइल चार्जर जो हैं वो ज़्यादातर 5 वोल्ट डीसी निकालते हैं। तो आप जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं उनके उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है बहुत सेंसिटिव होता है ये, तो इसको आप 5 वोल्ट से ज़्यादा की करंट बिल्कुल ना दें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो 5 वोल्ट की डीसी देने के लिए सबसे अच्छा काम है आप किसी भी मोबाइल चार्जर के यूएसबी से आप दे सकते हैं। जैसा कि मेरे पास एक रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास रखा हुआ है माइक्रोमैक्स का एक फोन था जिसका ये चार्जर रखा हुआ है मेरे पास। इसकी रेटिंग देखिए आप, इसमें ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी 5 वोल्ट। तो ये आप ऐसी रेटिंग हर चार्जर के ऊपर लिखी रहती है, तो उसमें एक बार चेक कर लें 5 वोल्ट डीसी दे रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये है हमारे पास एक ये एक यूएसबी केबल है। तो कोई भी यूएसबी केबल आपके पास जो रहती है, तो उसमें से अगर आप ये उसका जो आगे की पिन निकालेंगे माइक्रो यूएसबी, तो उसमें ये आपको 4 वायर मिलेंगे। तो ये 4 वायर में से दोस्तों एक लाल है, एक ब्लैक है और एक वाइट है और एक ग्रीन है। तो अपने को इसमें लाल वाला जो है ये पॉजिटिव के लिए होता है, ब्लैक वाला ग्राउंड के लिए, और ये जो 2 वायर हैं ग्रीन और वाइट जो अभी हमें कोई काम के नहीं है मगर ये डाटा के लिए होते हैं, तो अभी हम इन दोनों को छोड़ देते हैं और ये जो 2 वायर हैं हमें इनका काम लेंगे। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो जहाँ प्लेट पे पॉजिटिव लिखा था उसमें ये जुड़ेगा और जहाँ नेगेटिव है वो ये। तो ये किस तरह से जुड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कनेक्शन के लिए केबल भी है, ये 2 पिन वाली केबल, इसे हमें रेड में लगाना है। तो जो इसमें स्लॉट दिए हुए हैं इस तरह से आप देख लीजिए, और इसको इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे दबा देंगे तो ये लग जाएगी। तो ये इसमें लग गई है। अब हमें देखना है कि नीचे प्लस कहाँ लिखा हुआ है, ये प्लस 5 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट हैंड साइड है, जो मेरे इस प्लेट में राइट हैंड साइड का जो आ रहा है इस तरफ वाला, ये पॉजिटिव है
तो ये कहाँ में जुड़ेगा, रेड में, तो हम इसको रेड के साथ कनेक्ट कर। अभी दोस्तों मैं इसे फिक्स नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे ही कनेक्शन कर रहा हूँ, हम इसे चला के देखेंगे। और जो ब्लैक वायर है इसे ग्राउंड या नेगेटिव में जोड़ देते हैं। तो ये मैं अभी इसे सही जोड़ रहा हूँ आपको बताने के लिए, फिर इसको बाद में हम फिक्स करेंगे इसको सोल्डर करके। अभी ऐसे ही इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैंने इसको वहाँ पे जो चार्जर है उसको वहाँ लगा दिया है, और उसको लगाने के बाद में मैं इसको चालू कर रहा हूँ। ये हमने चालू कर दिया है। अब देखिए आपको, ये हमारा जो म्यूजिक प्लेयर है ब्लूटूथ, वो चालू हो गया है। अब इसको मोबाइल, इसको जो है हमें यहाँ से आउटपुट, साउंड आउटपुट जो है वो इसमें इनपुट करना है, मतलब ये हमारे जो होम थिएटर है इसमें देना है। तो कैसे देना है आइए हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे पीछे से पहले खोल लेते हैं। तो पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम इसे खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा इसमें बैक पैनल पे इनपुट और आउटपुट दिखाता है, तो इसी के पीछे आपके यहाँ पर एक कनेक्टर लगा होता है। ये जो कनेक्टर है बस यहीं रख, तो यहाँ पे जो कनेक्टर होता है ये यहाँ से इस सर्किट को जो है इनपुट मिलता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये तीन वायर दिख रहे हैं आपके, ये साउंड के वायर होते हैं इनपुट के, तो इसी में इसे हमने तीन वायर निकाल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी जैक में से, ये आपको दिख रहा है, इसी जैक में से हमने ये दो वायर ये निकाले हैं, ऑडियो लेफ्ट लेफ्ट के लिए और ऑडियो राइट के लिए, और ये एक बार जो है ये हमने ग्राउंड के लिए निकाला है। तो इस ये कलर से हमने याद रखने के लिए इस तरह कलर लिया। आप जो कलर याद रख सकते हैं वो कलर आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इसमें तीन बार ये कहाँ जुड़ेंगे, तो जैसे कि हमने आपको पहले केबल दिखाई थी, ये चार वाली ये केबल दिखाई थी, तो इसमें जो है अपने को तीन वायर दिख रहे थे, एक तीन वायर ये हैं और एक ये रेड, चार वायर थे। तो ये रोड रेड को हमको छोड़ देना है, ये वाला जो है इसमें से ये रेड वाला आप छोड़ देंगे, और इसमें जो बाकी के तीन बचे थे इसमें बीच वाला जो है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा, और ये ऑडियो राइट और लेफ्ट आजू बाजू वाले, तो ये आजू बाजू वाले जो हैं आप, ये जो हमने यहाँ से निकाले हैं वायर, ये जो हमने वायर निकाले हैं ये तीन, तो इनमें से आइट साइड के जो हैं लेफ्ट राइट के, वो इसमें अपन लेफ्ट राइट में लगा देंगे। तो देखिए, ये जो एक मैंने राइट लेफ्ट साइड का जो है वो एक में जोड़ दिया है, और दूसरा जो है वो राइट में जोड़ दिया, और जो बीच वाला जो है मैंने जो इधर से बीच में से निकाला था वो उसमें मैं बीच में जोड़ दे रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ये सर्किट चला के दिखा देता हूँ, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने ये कनेक्शन यहाँ कर लिया है, अब इसको मैं बोर्ड में लगा देता हूँ। तो आप भी इसको इस तरह से बोर्ड में लगा दें, और एक बार आप इसको बजा के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो है कनेक्शन हो गए हैं, हमने इसको 5 वोल्ट भी दे दिया है और यहाँ से इनपुट इसको भी दे दिया है। अब हमें इसमें बाकी और कुछ भी नहीं किया है, आइए देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने यहाँ से पावर चालू किया, एसी जो 5 वोल्ट बना रहा है। तो देखिए मेरा सर्किट जो है चालू हो गया है। अब मैं ये होम थिएटर को भी यहाँ पर लगा देता हूँ। ये होम थिएटर लगा दिया मैंने, ये देखिए होम थिएटर चालू हो गया है, इसमें ये नीला नीला लाइट दिख रहा होगा। अब इसको मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ।
इसको ये मोबाइल से कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड हो गया है। तो ये अब यहाँ से अपन गाना बजा के देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले आप हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके NCS खोला हमने और हम अब यहाँ से साउंड प्ले करेंगे, इससे कॉपीराइट नहीं आएगा। तो देखिए आप ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया और ये जो हमारा ये फ़ोन के कारण डिस्टर्ब हो चुका। अब देखिए ये रिमोट है हमारे पास, ये रिमोट से हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें, देखिए आप 42-43 हो गया, 45 हो गया, 46-45 फिर कम हो गया। तो ये देखिए इसका रिमोट भी अच्छे से काम कर रहा है। इसका मोड मोड देख लीजिए, यहाँ से ये ऑफ हो गया। अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन रहा है। ये देखिए ब्लूटूथ मोड, ये देखिए बोल के ही बताती है दोस्तों कि ब्लूटूथ मोड पे चल रही है। ब्लूटूथ मोड पे चल रहा है ये बोल के बताएगा आपको। FAUX मोड, ऑक्स मोड पे भी आ गया। तो इसे आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, FM मोड भी। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई चैनल नहीं कैच करता इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, और वायर भी बड़ा करने से आ जाता है। तो आप देख लीजिए वायर बड़ा कर लेना या फिर आपके यहाँ आते तो आराम से चल रहा है। तो दोस्तों इसको आपको और कहाँ से दे सकते हैं आप, किस तरह से आप पता लगाएंगे कि इसको कहाँ कहाँ से हम दे सकते हैं, इसके लिए देखो आपको मल्टीमीटर की जरूरत लगेगी। अगर आप कैसे कनेक्शन नहीं है तो आपको मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इनपुट लिखा हुआ है, जहाँ हम इनपुट के लगाते हैं, तो उसका जो आप क्लिप लगाते हैं तो उसमें एक ऊपर की तरफ गोल वो दिख रहा है आपको, तो इसके ऊपर लगाएं आप। तो ऊपर लगाएंगे आप नेगेटिव पॉइंट को, और ये रेड वाली नॉब जो है इसको आप लगाएंगे पीछे जो ये वायर आए हैं। तो यहाँ से जो वॉल्यूम की आपकी बटन होती है उसमें 3 वायर लगे हुए होते हैं जो सर्किट से आए हैं, तो उनमें से आप तीनों पॉइंट पे एक एक बार उसको लगा के देखेंगे, तो जिस पॉइंट पे आपको वो आवाज करेगा मल्टीमीटर। तो ये देखिए मल्टीमीटर जो है हमारा, तो ये देखिए दोस्तों ये आवाज कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट हमको मिल रहा है। अब लेफ्ट ग्राउंड हमें मिल गया है दोस्तों। अब लेफ्ट राइट के लिए आपको क्या करना है, इसके बीच में हमें पहले ये वॉल्यूम की जो आप वॉल्यूम पे जहाँ पे हमने ग्राउंड ढूंढा उसके बाजू में हमें 2 पॉइंट दिख रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट ऊपर नीचे रखेंगे और इसके बीच में डालेंगे इस तरफ से। देखिए ग्राउंड का जो है वायर हमें मिला था उसके आजू बाजू में रखेंगे हम, और ये देखिए इसके अंदर ऐसे लगाएंगे तो आपको शायद आवाज आ रही होगी, ये आवाज आएगी। तो ये जो है लेफ्ट का है, और ये वाला पॉइंट जो है वो ये जो है लेफ्ट का पॉइंट है, ये देखिए लेफ्ट में लगा रहे हैं हम। ये देखिए आवाज आ रही है, तो ये लेफ्ट का पॉइंट है, और इसको राइट के में लगाएंगे तो जहां पे आवाज आएगी, ये देखिए राइट में लगाया, देखिए आवाज आ रही है, तो ये राइट का पॉइंट है। तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट और ग्राउंड ढूंढ के अपने सर्किट में से भी कनेक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों मेरे अभी टाइम कम है, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको पैक करके इसको बजा के बता देता हूँ एक बार। दोस्तों अगर आप भी ऐसा ब्लूटूथ वाला होम थिएटर बनाना चाहते हैं, तो यह किट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।